अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जो आपको सिखाना चाह रही हूँ कि ना जो बाल तीन होते हैं ना, जो तीन बाल होते हैं उसको भी कैसे करके आप इससे भी तीन, जो मेरे हाथ में है ना इससे भी तीन बाल है ना, आप उससे कैसे जुड़ा, ठीक जुड़ा बना सकते हो और खूबसूरत जुड़ा बना सकते हो, एक्चुअली एकदम खूबसूरत बना सकते हो। तो एकदम बालों को जैसे मैंने अच्छे से मोड़ा है उस तरह बिल्कुल अच्छे से मोड़ दें। और देखो आपको स्टफिंग नहीं है, आप घर पे कर रहे हो तो आप उसके अंदर ऐसा क्लिप लगाए जो थोड़ा बड़ा हो जैसे मैंने लगाया है, और बाल बिल्कुल भी देखो बाद में बचे ही नहीं है, बिल्कुल छोटे से बाल हैं, उनको पूरा फोल्ड कर दो, जितने बाल बचे हैं उनको फोल्ड कर दो। और फिर नीचे से बॉब पिन भी लगा सकते हो, और मैं यू पिन लगा रही हूँ लेकिन आप बॉब पिन भी लगा सकते हो और यू पिन भी लगा सकते हो। यू पिन इसलिए कि आगे जाके वो जूड़ा नहीं हिलेगा, यू पिन से अगर मैं जुड़ा निकल जाता है जैसे, लेकिन अगर आप यू पिन लगा देते हो तो आगे जाके वो जुड़ा नहीं हिलेगा। तो आप देखते रहो आगे जुड़ा मैं कैसे बना रही हूँ। अब मैंने इसको नेट लगा दिया क्योंकि आपने उसको राउंड कर दिया है, अंदर कुछ स्टफिंग नहीं, खाली आपने क्लिप लगाया हुआ है, बाल बहुत थीन है। और टाइट उसको लपेटना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लपेटा टाइट लपेटना है आपको, ढीला नहीं रखना है। और मैंने नेट लगा दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे किसी ने साड़ी वगैरह या फिर वो पहना हो तो उसके बहुत खूबसूरत स्टाइल लगता है। पिन देखो मैं फूलों के अंदर लगा रही हूँ, फूल के अंदर मैंने पिन लगाया। पिन को आप मोड़ सकते हो एक तरफ के, जैसे मैंने मेरा पहला वीडियो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वीडियो में, जैसे मैं जूड़ा पिन कैसे लगाते हैं जूड़े में, सॉरी 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 आप मांग टीका कैसे लगाते हो, तो मैंने उसमें पिन बताया। उस तरह भी आप कर सकते हो इसको, या फिर इस तरह भी कर सकते हो। इसमें भी आप आगे देखो, एक आगे भी आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर पिन आपका निकलने का आपको डर है तो भी आप मत डरो, क्योंकि आगे हम लोग कुछ और करने वाले हैं उसके साथ में, ताकि आपका पिन कभी गिरेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो अभी अभी मैंने यू पिन में मैंने क्या किया है, अपने फूलों को ना यू पिन के अंदर कर लगा के और फिर यू पिन लगा रही मैं। अगर फूलों की डंडियां आप नहीं लगा सकते हो तो भी मैं यूपिन से लगा रही हूँ। यूपिन से क्या होता है बहुत अच्छे से लग जाती हैं। अगर आप सोचोगे खाली डंडियाँ डंडे भी लगा दूँ तो आपको हैबिट आप लगा लगा सकते हो, और उसके बाद भी वो भी नहीं गिरेगा, वो फूल भी नहीं गिरेंगे, लेकिन मैं यूपिन से लगा रही हूँ। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि हम इसके बाद जो करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा कि अरे बिल्कुल भी निकलने का चांस ही नहीं है फूल का, एक भी फूल नहीं गिरेगा बाद में। तो आप इस तरह से पूरे बालों के पहले राउंड राउंड में लगा दो फूलों को, और ये बाल जो हैं इसके अंदर कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है कि बाल जब हम लोग फूल लगाते हैं तो बाल अंदर की तरफ घुस जाएंगे या जो भी, तो भी आप फिर भी फूल पूरे बालों में लगाओ और जूड़े के अंदर भी लगाओ, ऐसे मोड़ के भी लगा सकते हो आप, जैसे अभी मैंने मोड़ा है वैसे भी लगा सकते हो और सीधे सीधे भी लगा सकते हो। खाली ध्यान रखो कि जब वो हल्का सा निकलने लगे तो उसको दबा दो, और सब फूल दबा के ही आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद अब कैसे लगाना है, देखो मैंने पूरा राउंड कर दिया है, ऐसे भी आप लगा सकते हो, जैसे इस पे झुमका कोई पहने हो, मांग टीका हो, साड़ी या लहंगा हो, उस पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लगेगी। लेकिन मैंने अभी सिर्फ राउंड राउंड किया है और बाल भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्लिप लगा के बालों को ट्विस्ट किया हुआ है, कुछ भी नहीं भरा है उसके अंदर। अगर आप घर पे करते हो तो आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। अब मैं ऐसे भी आप लगा के हेयर स्टाइल कर सकते हो क्लाइंट का, लेकिन मैं पूरे बालों में जूड़ा लगा रही हूँ इस तरह से, मैंने पूरे बालों में लगाया है। अगर कहीं जगह ज़रा सी भी बची नज़र आती है आप वहाँ पे भी उसको अच्छे से लगाओ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से आप डांस करोगे या कुछ आप चलोगे काम करोगे तो फूल गिरने का चांस होता है, डर होता है, तो मैं उसके ऊपर एक नेट लगा रही हूँ। तो ये नेट से क्या होगा, पूरे जूड़ा कहीं से भी जरा सा हिलेगा नहीं और एक फूल भी नहीं गिरेगा। और आपने जो पिन लगाए आपके पिन निकल भी रहे हैं या आपने डायरेक्ट डायरेक्ट फूल लगाए हैं, तो अगर आपके फूल निकलने का भी कभी हिल गया या निकलने का, तो आप इस पिन लगाने से, इस नेट लगाने से आपका जरा सा भी जूड़ा हिलेगा नहीं। और ये तो मैं क्लाइंट का नहीं कर रही हूँ, डमी पे कर रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि नेट कहीं से ऊपर नीचे से कहीं निकले नहीं, ध्यान से करना है कि बिल्कुल भी नेट एकदम प्रॉपर पूरी राउंड में अच्छे से लगाना है, और नेक के पास भी चेक करना है, अच्छे से लगाना है। और इस तरह से पूरा लगाते हुए आप पिन को
आपको 6-7 पिन और लग जाएंगे यूपिन, और यूपिन को लगाने का जो तरीका मैंने बताया हुआ है उसी तरीके से आपको लगाना है। तो इस तरह लगाना है। हमारी क्लासेस भी चलती हैं, तो हम लोग क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो अभी तो मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से करोगे तो वो आप देखोगे नेट दिख भी नहीं रही है, और पूरी नेट में इतना प्यारा सा जुड़ा, इतना खूबसूरत जुड़ा बन गया है, और आपका फूल गिरेंगे नहीं, आपका पिन गिरेगा नहीं, कम बालों में आप खूबसूरत हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत प्यारा सा बना हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, किसी को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, आपको कमेंट करना, आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट अच्छा लगता है पढ़ने, लेकिन मुझे कोई कमेंट ही नहीं करता है, और बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।